ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरये नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ श्री साई देवताये नमः। जगत के पालक भगवान श्री हरि के श्री चरणों में वंदन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। वॉइस इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राजज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है। दिनांक 8 जून 2023। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज भगवान श्री शिरडी वाले साईं बाबा का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना सभी साईं भक्तों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन श्री साईं के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से बरसेगी बाबा की मेहर, मिलेगी असहनीय दुखों से, कष्टों से मुक्ति। साईं करेंगे आपकी हर इच्छा, हर कामना को पूर्ण। आइए जान लेते हैं साईं पूजन की सरल विधि क्या करना है। आज गुरुवार के दिन श्री शिरडी वाले साईं बाबा का हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, नाना प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा, विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा, पीला आसन प्रदान कीजिएगा, पीला चंदन प्रदान कीजिएगा, पीले पुष्प, पीले वस्त्र उनको अर्पण कीजिएगा, शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, बेसन के लड्डू, केले के फलों का भोग लगाइएगा, केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, साथ में पालक की पुली अर्पण कीजिएगा, पान सुपारी दक्षिणा अर्पण कीजिएगा, साईं व्रत कथा का पठन कीजिएगा, साईं आरती करें पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। साईं पूजा के पश्चात अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ किसी भी दरिद्र नारायण को, असहाय लोगों को भोजन करवाते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही साईं बाबा की कृपा भी आप पर बनी रहती है। तो साईं भक्तों के लिए आज साईं पूजन मंत्र कौन सा रहेगा, आइए जान लेते हैं। ओम श्री साई देवाय नमः। ओम श्री साई देवाय नमः। ओम श्री साई देवाय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक श्री साई की पूजन अर्चन करेंगी, उनके विघ्नों का, कष्टों का नाश होगा, पूरी होगी हर कामना, हर इच्छा। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। जानते हैं कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, राशि अनुसार समाधान भी जानेंगी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज मकान, भवन, भूमि, प्लाट, फ्लैट खरीदने का मन बन सकता है। आज किसी से भी बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और आज अपने किसी भी काम में झूठ का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। समाधान क्या रहेगा, बिस्किट के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज नए कारोबार की, नए बिजनेस की रूपरेखा बनेगी। व्यापार में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी, नौकरी में पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बहुत दिनों से चली कोई पुरानी समस्या का समाधान आज आपको मिल सकता है। और आज का समाधान क्या रहेगा, घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज अपने कैरियर, अपनी पर्सनल लाइफ, इन दोनों में यथास्थिति बनाए रखिएगा। जैसी स्थिति है उसको बनाए रखिएगा, नो चेंज। और किसी भी प्रकार का बदलाव
आज नहीं करना है, चाहे करियर हो चाहे पर्सनल रिलेशन हो, किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा, रिलेशंस में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। समाधान क्या रहेगा? साबुत हल्दी की गांठ को अपनी पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। राशिफल की बात कर रहे हैं, साथ में हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। ललिता जी है सुजानगढ़ से। ललिता जी आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सुजानगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में चले बहुत रहती है। अच्छा। और मतलब हर वक्त टेंशन रहती है। देखो ललिता, एक बड़ा ही सरल मंत्र आपको बता देता हूँ घर के कलह कलेश को दूर करने के लिए। आप लिख लीजिए, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। एक धूप बत्ती जला लो और 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करो। मैं पुनः आपको इस मंत्र का उच्चारण समझा देता हूँ। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर अभी नहीं लिख पाए तो वहाँ पे देख के आप लिख लीजिएगा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। 15 मिनट तक इस मंत्र का सुबह शाम जाप करो, अगरबत्ती जला लो या धूप बत्ती जला के पूरे घर में घूमो। निश्चित तौर पे कलह कलेश खत्म होगा। नियमित रूप से रसोई में जा पानी का मटका भरती हो वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ और उनसे हाथ जोड़ के घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। और तीसरा उपाय जो करना है, एक बड़ी रोटी मोटी रोटी बनानी है, उसके 4 टुकड़े करने, थोड़ा सा घी रख के और उस पर थोड़ा गुड़ रख के पहला टुकड़ा गौ माता को, दूसरा टुकड़ा कौवे के लिए, तीसरा जो टुकड़ा है कुत्ते के लिए और चौथा जो है वो चींटियों के लिए। ये 40 दिन उपाय करो, निश्चित तौर में घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम जी हैं जयपुर से। पूछिए बलराम जी, आपका क्या प्रश्न है? मेरा जन्म है साहब 8/9/1978, 5:15 सुबह का। प्रश्न बताएं। मेरे आगे के भविष्य के बारे में बताएं, नौकरी बच्चे सबके बारे में। देखिए ऐसा है कि अभी आपको बुध की महादशा और शनि का अंतर शुरू हुआ है जनवरी 2023 से, और शनि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है सूर्य के साथ में। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि जब सूर्य के साथ बैठता है, सूर्य की राशि पे बैठता है, पिता पुत्र का रिश्ता है और दोनों में अनबन रहती है, तो ये समय आपके पिता के लिए भी थोड़ा सा विकट रहेगा यदि अगर है तो। और दूसरा जो है, डिसीजन शुड बी वेरी प्रॉपर। गुप्त शत्रुओं से बचना होगा, पेट संबंधित रोगों से बचना होगा, एक्सीडेंटल योग से बचना होगा। जनवरी 2023 से बुध में शनि शुरू हुआ है जो सितंबर 2025 तक चलेगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करेंगे, शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करेंगे, संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करेंगे। समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा 25 तक, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस समय को निकालेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है माया जी टॉक से। माया जी अपना प्रश्न बताइए। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, मैं अपनी छोटी बेटी है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/3/2018, समय है शाम के 4:45 to 5 के बीच में, 5 तक है ना। तो वो पंडित जी 5-6 साल की है, लेकिन वो बस पढ़ने में, मतलब मैं खुद के जैसे कि जितना ही पढ़ती है, और उसको पढ़ने में उसका कैसा है, मतलब मैं उसका भविष्य ऐसे बताओ आप मुझे, कुछ उपाय जो वो पढ़े, कुछ बात माने। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी ये छोटी बेटी का सवाल है, वैसे तो अभी बहुत छोटी है, 5-6 साल की बच्ची है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बनी हुई है। मांगलिक नहीं है, लेकिन मंगल शनि की युति बनी हुई है। शनि मंगल की युति बन जाती है तो ऐसे बच्चों में एक हार्डनेस आ जाती है, एक जिद, एक अडामेंसी का करेक्टर आ जाता है। चांदी का लॉकेट, चांदी की चैन के अंदर, या तो आप इसके एक चांदी का बाउल बनवा लो, पूरा ठोस गोली जैसा वो डाल दो, या चांदी का चंद्रमा गले में डाल के रखो। ऐसे बच्चों को एक दिशा दी जाती है कि यस यू कैन डू, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है। गायत्री मंत्र का जाप सिखाओ, काल इसमें हरे कपड़ों से दूर रखना, हरे कपड़े नहीं पहनाने हैं। बुधवार को इसके नाम से हरी सब्जियों का दान करना है। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें और इस बच्ची को नियमित रूप से शिव आराधना करना सिखाएं और सूर्य आराधना करना सिखाएं, बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ रीता जी जुड़ गई जयपुर से। बेटा पूछिए, आपका क्या प्रश्न है?
हाँ जी, मेरी बहू जानवी झाला। क्या प्रश्न क्या है? वो कंपटीशन एग्जाम दे रही है, पढ़ाई कर रही है अच्छी सी। तारीख तो जीवन में क्या रहेगा? जन्म तारीख समय है क्या? हाँ जी, 15 जून देखो 1995। समय 15 जून, समय शाम को। एक मिनट सर। देखिए, आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इतना समय नहीं होता है, बहुत सारे दर्शक बेचारे सुबह 6 बजे से ही फोन करते रहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कल आप पुनः ट्राई कर लीजिएगा। रीता जी, जहाँ तक आपकी बहू की जन्म कुंडली का सवाल है, यदि ये गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करती है तो निश्चित तौर पर इसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है। सूर्य आराधना नियमित रूप से करें, सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, दूध दही चावल इत्यादि सफ़ेद रूप में सेवन नहीं करना है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, सफ़ेद चादर पे नहीं सोना है। कुंडली अच्छी है, सूर्य आराधना करेगी, बहुत जल्दी इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। कल पुनः आप एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कॉल लग जाए तो आपका प्रश्न का पूरा जवाब देंगे। अपना समय तारीख सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपको याद होना चाहिए, तभी आप हमें कॉल करें। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई, अंजलि जी है जयपुर से। पूछिए बेटा अंजलि, आपका क्या प्रश्न है? जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, ये पूछना चाह रही थी कि एक तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। डेट ऑफ बर्थ बोले बेटा। 17 अगस्त 1988 और 11:10 अलवर डिस्ट्रिक्ट। सुबह शाम का? शाम का मैम, 11:10 जी। देखिए, और मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरा खुद का मकान कब तक बन पाएगा। देखिए बेटा अंजलि, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा आपको चल रही है, गुरु की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। वैसे तो गुरु में चंद्रमा काफ़ी शुभ माना जाता है, और आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग भी है, और हमें लगता है कि विदिन ए ईयर आपका या तो इस साल की दीपावली पे आपका घर हो सकता है, नहीं तो अगले साल की दीपावली पे, तो निश्चित तौर पे आपका अपना घर होगा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। जहाँ तक स्वास्थ्य से संबंधित कोई मैटर है आपका, उसका मुख्य कारण ये है आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो शनि का वक्री होना। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। नियमित रूप से सूर्य आराधना अवश्य करें, अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अपने जन्मदिन पे कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप 40 दिन का एक उपाय कीजिए, अपने सिरहाने के पास में कटोरी में पक्षियों खिलाने वाला दाना रखें और सुबह उठ के पक्षियों खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय कीजिए, पीरियड्स के दिनों में भी कर सकते हैं। विदिन 40 डेज यू विल फाइंड कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल चुका है उपाय करके, और उसका रिजल्ट हमें भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी राशियों के बारे में कि क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे। तो बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज के दिन की शुरुआत सामान्य रूप से होगी, भाग्य की अनुकूलता और अपनों का साथ आज आपको आगे से आगे बढ़ाता लेता जाएगा। बट यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। समाधान क्या रहेगा? पीला कनेर का पुष्प अपने पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन बना रहेगा कूल। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी, व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। आज आपको जोखिम भरा कोई भी निवेश नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी केयरफुल टुडे। और किसी भी वाद से, विवाद से, तकरार से आज आपको दूर रहना है। समाधान क्या रहेगा? केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि चाहे जॉब हो चाहे व्यापार हो, आज पूरा दिन अच्छा रहने वाला है। इनकम जनरेट करने के, इनकम बढ़ाने के जो आपके एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, निश्चित तौर पे वो आज सफलता को प्राप्त होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपके साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथी कर्मचारी ये सहयोगी हैं आपके आसपास, उनसे किसी भी तरह की कहा सुनी से आज आपको बचना होगा। समाधान क्या रहेगा? भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिला के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं
और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और साथ बाकी बची हुई राशियों के राशिफल की भी बात करेंगे। सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः एक बार स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, किचन कवच के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं बाकी बची हुई राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं, ग्रहों की चाल कहती है कि आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहने वाली है। दूसरों के साथ रिलेशन में, संबंधों में एक क्लियरिटी रखिएगा, स्पष्टता रखिएगा। और आज आपके परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार हो सकता है, तो आपको उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। समाधान क्या रहेगा? एक पीला रुमाल अपनी पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की ग्रहों की चाल ये कहती है कि आज का दिन आपको हार्डवर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा, और निश्चित तौर पर आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपको सफलता भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रुके हुए जो काम है आज पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस में यदि कोई रुका हुआ पैसा है तो आज वापस मिल सकता है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा है तो आज वापस मिल सकता है। समाधान क्या रहेगा? 5 केले या उससे ज्यादा, कम से कम 5 केलों का तो दान करना ही है, ज्यादा कर सके तो अति उत्तम है। अगली जो राशि वह है धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज पुरानी कोई बात, पुरानी कोई समस्या आज आपको थोड़ा हैरान परेशान कर सकती है। आपके लाइफ से जुड़े हुए मैटर्स, आपके कैरियर से जुड़े हुए मैटर्स पर पूरी तरीके से सोच विचार करके ही कोई कदम उठाइएगा। छोटी छोटी बातों पर आज आपको गुस्सा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। हमारे कुछ कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ में। दयाल जी हैं भरतपुर से, प्रश्न पूछिए दयाल जी। पंडित जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। मेरी बच्ची का जन्म है 30 जुलाई 1991। 30 जुलाई 1991। पंडित जी, मुझे अपनी बच्ची के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 30 जुलाई 1991। समय बताएं। हाँ, समय उसकी शादी का संपट कहीं नहीं बैठ रहा, हम बड़े परेशान हैं। देखिए दयाल जी, आपसे निवेदन है, एक तो टीवी की आवाज़ को कम करके रखें, और जब भी आप बताएं प्रश्न, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जन्म तारीख के साथ जन्म समय भी बताएं। अब आपने समय नहीं बताया तो हमारे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं आपको प्रश्न कुंडली से बता देता हूं कि इसके विवाह का योग इसी वर्ष अक्टूबर के पश्चात में, प्रश्न कुंडली कहती है कि इसका विवाह का योग इसी वर्ष बनेगा। कतई कोई चिंता की बात नहीं है, तुलसी माता की परिक्रमा करना शुरू करें, प्रतिदिन 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बहुत जल्दी सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, उत्तर पश्चिम में बना हुआ जो कमरा है, वो उसका बेडरूम बनाइए, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और विवाह होगा। एक और कॉलर बबीता जी जालंधर से जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, आपका प्रश्न पूछिए। बबीता जी आवाज आ रही है, आपका प्रश्न पूछे। चलिए, बबीता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राशियों की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज आपको तरक्की प्राप्त करने के, उन्नति प्राप्त करने के, आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अवसर मिलेंगी, उनको कैश करिएगा। आज शानदार दिन रहेगा, उस शानदार दिन का पूरा लाभ आपको उठाना है, आलस नहीं करना है, व्यवहार में अति नहीं करनी है, संतुलन बनाए रखिएगा। समाधान, पपीते का फल बाजार से खरीदिएगा, किसी भी मंदिर में या किसी भी नीडी पर्सन को उसका दान कर दीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज अगर कोई आपको गलत बोले, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आपकी कमियां निकाले, तो
तो उनको अपने दिल से मत लगाइएगा, अपने अच्छे समय का इंतजार कीजिएगा, अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए, आपकी आपका हार्डवर्क आपकी मेहनत अपने आप सब समाधान कर देगी, जवाब दे देगी। समाधान क्या रहेगा? पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, आज निश्चित तौर पे पूरा दिन शुभता का संचार होता रहेगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिएगा। ध्यान रखिए, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो किस्मत गुड लक आज आपके फेवर में हो सकता है। लंबी यात्रा पर जाने से आज के दिन बचना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को मीठा दही खिलाइएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। चलिए हमारे एक कॉलर साथ में जुड़ गए, रेखा जी हैं गाजियाबाद से, पूछिए बेटा क्या प्रश्न है आपका। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम कनक है और जी की जन्म तिथि है वो है 7 जनवरी 2005 दिन शुक्रवार सुबह 6 बजे, उसके भविष्य के बारे में पूछना है। 7 जनवरी 2005 और समय क्या बताया? सुबह 6 बजे। देखिए रेखा जी, जहाँ तक आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, जनवरी 2005 का जन्म है, अनुराधा नक्षत्र का इसका जन्म है, चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों से दूर रखिए, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनाने, चावल खिलाना है तो पुलाव शेप में, दूध पिलाना है तो कलर चेंज कर दीजिए और सफ़ेद बेडशीट भी मत रखिएगा। इसके नाम से हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना, अभी सावन के महीने में कर दीजिएगा, 8 सोमवार आपको ही करना है। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, टेक्निकल साइड की जगह बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनने की बजाय ये अकाउंट सेक्टर के अंदर, लॉ सेक्टर के अंदर, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर ये बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है। बुध की माँ दशा शुरू, वेल इंटेलिजेंट बच्चा रहेगा, जीवन में खूब तरक्की उन्नति प्राप्त होगी। हर साल इसके वजन के बराबर जितना इसका वेट है उतने या तो चावल या शक्कर उसका दान आपको किसी भी अनाथ आश्रम में करना है, निश्चित तौर पे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीराम जी चित्तौड़गढ़ से, प्रश्न पूछिए श्रीराम जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ 10/5/95 6:45 सुबह शाम। सुबह का प्रश्न पूछे। प्रश्न ये है कि बेटा बहू अलग रहते हैं पंडित जी, पहले भी पूछा था हमने पंडित जी से, अब उसके लिए आपकी बहू की भी कुंडली चाहिए थी। 45 मिनट ठीक है। देखिए जहाँ तक आपके बेटे की जन्म कुंडली का सवाल है, चूंकि इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल नीच राशि का है, इसलिए इसके विवाह सुख में कमी होती है। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की विधिवत शांति कराइए, उज्जैन जाकर या तो मंगलनाथ में मंगल की शांति कराइए, चित्तौड़गढ़ में आप किसी भी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की शांति कराइए, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, घर के अंदर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए, चांदी का ब्रेसलेट गले के अंदर धारण करके रखिए, मंगल की ही महादशा चल रही है, इसके दाम्पत्य जीवन में सितंबर 2023 के बाद काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किचन से जुड़े हुए गुड लक टिप्स के बारे में तो क्या कहता है आज का किचन का वच? आज घर के किचन के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, घर का और किचन दोनों का जो मेन डोर है उसके दोनों तरफ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा। आज चने की दाल बनानी है, उसमें थोड़ी सी लौकी डालकर मिट्टी की हांडी में पकाइएगा और आटा जब आप गूंदे तो उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के आटा गूंद दीजिएगा और भोजन में तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा। क्या होगा? त्वचा के रोगों से, स्किन एलर्जी से घर के सदस्यों को मुक्ति मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं आज का विशेष गुड लक टिप्स। तो क्या आज आपके दिन को गोल्डन डे ऑफ बनाना चाहते हैं? क्या आज आप बिजनेस में लाभ कमाना चाहते हैं, किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है? आज चाय पीने की, दूध की चाय पीने की जगह लौकी के रस का सेवन करें, ओम शिव वासाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, अपनी माँ या पत्नी या बिटिया रानी के हाथ से केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें, पीली शर्ट पहने, पीला रुमाल रखें, ऑफिस में शोरूम में पीले पुष्पों का गुलदस्ता रखें,
तो जो भी भक्त आज के इस छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बाधा मुक्त रहेगा, हर्डल लेस रहेगा। निश्चित तौर पे आज का दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के विशेष शो में बस इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय माता की। खुश रहिए, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।